हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है 20 जून की शाम, जहां पे हम सब मिलके मेरे बर्थडे के डिनर के लिए गए थे और छोटा सा गेट टुगेदर कैसे किया हम सब ने। बर्थडे का इस टाइम जब वापस घर लौटे तो कुछ सुबह नहीं मतलब रात के कुछ 1:30 के आसपास था। एंड देन उसके बाद सारा क्या बोलेंगे दीपेश को, क्या शुरू हुआ, जैसे फिल्मी सीन नहीं होता पूरा कोई, वैसे सिलसिला ना वैसा पूरा शुरू हुआ कि रात को घर पहुंचने के बाद 2:30 बजे के बाद से चीज़ें ऐसी हुई। एंड देन फिर हम वापस आए बैंड रही। एंड उसके बाद का पूरा जो उस दिन की जर्नी है, पूरी उस रात की जर्नी है, सुबह तक डिलीवरी तक, हॉस्पिटल तक, इसके ठीक होने तक, नेक्स्ट डे तक, वो सब मैंने शूट करके थोड़ा थोड़ा रखा है मैंने बिट्स एंड बिट्स में। तो आज मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसको इसके आगे जो है वो देखिए। तो ये थे हम पहले विमेंस हॉस्पिटल में, लेकिन जब हमें पता चला कि हमें जो बेबी को है वो NICU में रखना पड़ेगा, तो वहाँ से फिर हम हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर रहे थे। दीपिका जा चुकी थी OT में, यहाँ मैं वेट कर रहा था कि मुझे कब बुलाएंगे। और जैसे ही बेबी होने के बाद मैंने सबको नीचे खबर दी फोन से, और देखो नीचे का माहौल। बेटा कांग्रेट्स, काजू कतली मुझे देना चाहिए था, चाचा ने। फिर OT से बाहर आने के बाद कुछ देर जो पेशेंट होता है उसको रिकवरी एरिया में वेट करना पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अलाउड नहीं करते। मैं बस मिलके आ गया था, तो उस दौरान मैं नीचे सबसे मिलने आया था, सबको बोलने आया था, सबको बताने आया था। एंड देन ये सब लोग मुझे ऐसे मिठाई इस तरीके से खिलाने लगे। और उस वक्त मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी रात से, तो समझ नहीं आया क्या खाऊं, बुढ़ापा खा रहे थे, मैंने भी खा लिया। हाँ जी, मम्मी जी, कैसे लगी? बहुत अच्छी फीलिंग। बहुत अच्छी फीलिंग है, कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा। बस इंशाल्लाह। That cry is I think the best thing that you can hear in your life. सच में। मुझे वो रो रहा था ना इतनी जोर जोर से, मैंने आपको बोला था मेरी गट फीलिंग है। ये पहले से ही बोल रही थी मेरे को, बेबी बॉय आएगा, बॉय आएगा, चलो ठीक ठाक है मम्मी, ठीक है पापा को बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, पापा ने जितनी हिम्मत दिखाई ना आई रियली हैंड्स ऑफ टू शोल्डर, हालत खराब हो गई थी वहां पे, बहुत देख ना उसने दिखाया नहीं, मैं महसूस कर पा रही थी, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाई है कि तुझे ये ना हो, मेरी हालत खराब हो गई सच में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्योंकि जल्दी आया है तो हमें उसे जल्दी से चार दिन रखना पड़ेगा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सुबह से अब थोड़ा सा ऐसा वक्त मिला है कि मैं सुकून से बैठ के बात कर सकता हूँ, कोई ना कोई आ जा ही रहा था मिलने के लिए, घर वाले, कभी फ्रेंड्स, कभी सच से कोई आ गए थे, कभी ऐसे इस तरीके से। तो बस अभी मैं चाहता हूँ कुछ खाने के लिए, अक्रम जो है वो घर से खाना लाया है, और बस अभी वेट हो रहा है कि वो जल्दी से आ जाए यहीं पर। हाँ बस वही 2-3 दिन का इंतजार है इंशाल्लाह, मैं बस वही है, इनका खाना भी हो चुका है, थोड़ा पेन में है अभी, आज की फर्स्ट डे है, ऑब्वियसली बात है सीजन हुआ है तो पेन तो होगा ही, और बट स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्गली इसे सारी चीज़ें जो है वो निकाल ली है। डिलीवरी में तो हंसते हंसते से निकाल लिया, हंस रही थी, लिटरली हंस रही थी जब हम घर से निकले। ये मैं आपको आराम से सुकून से बताऊँगी पूरा हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा फिल्मी सीन था पूरा, इस तरीके से मजा आया। फिलहाल मैं कुछ खा के आता हूँ, देन उसके बाद जो है मैं आपको आराम से सुकून से आज या तो कल सुबह, टेंशन के बारे सुबह से शो में कुछ ढंग से खाया नहीं है, बड़ा पाव खाया बस। मैं तो कल से वही पहने घूमूंगा, जो सुबह के बाद में मतलब सबने जो शर्ट दी थी पहन के निकला, मैं वही पहने घूमूंगा। अभी अंकित आ रहा है तो मैंने उससे कपड़े जो है वो मंगाए हैं चेंज करने के लिए, अभी कुछ खा लेता हूँ। कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं दिल्ली से। तो ये था पूरा उस दिन का, 2 दिन का वीडियो, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं पता नहीं यार, जनरली अभी तक वो सिंकिंग नहीं हो पा रहा है, और उस वक्त तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, कैसे होगा,
बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हुआ है। अभी भी कई लोग पूछ रहे थे कि अभी तक डिस्चार्ज क्यों नहीं मिला है, डिस्चार्ज तो जल्दी मिल जाता है, तो ये रीज़न है क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं जहाँ पे हॉस्पिटल है उसमें ही टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ भी क्रिटिकल नहीं है कि ज़्यादा टेंशन वाली बात हो। लेकिन हाँ कोई भी हो जाए, किसी का भी बच्चा हो, माँ बाप को उसको वहाँ पे देख के अजीब सा लगता है तो वो हमें भी लगता है, लेकिन इस बात की खुशी भी है, अल्लाह का शुक्र भी है, लाख लाख के डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, दवाई कर सकते हैं इस वक्त पे कि बस जल्दी से सारी चीज़ें अच्छी हों और वो हमारे पास है और हम उसे लेके जाएं। ये है वीडियो, देखिएगा इसे और दुआ कीजिएगा हम सबके लिए कि सब अच्छा हो, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आप करिए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पहले उसको प्यार कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे कुछ बताइए, हंसी मजाक कीजिए और सबको दुआ में याद रखिए, सबको दुआ में रखिए। थैंक यू सो मच फिर से।